कौतिक इंदिरा प्रणाम कौतिक जारू और कौतिक में हम की प्रभात बिश जी मिलने और ना जानू कि आज कौतिक कौसो सबों पहले सबों को नमस्कार। आज हम इंदिरापुरम स्वर्ण जयंती पार्क में हैं जो कि परसों 26 तारीख से यहाँ बसंत उत्सव बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में ये मेला लगा है और जो निरंतर चार दिन तक चलेगा। कल अंतिम दिन है तो आज तीसरा दिन है तो यहाँ पे रंगारंग हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बोली भाषा और पहनावा और यहाँ की खान पान हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी और अपनी बोली भाषा को बढ़ावा दें और अपने बच्चों को उत्तराखंड के बारे में बताएं, वहाँ की चीज़ों के बारे में बताएं, वहाँ के पहनावे के बारे में बताएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति से दूर ना रहें, मतलब उसके बारे में उनको जानकारी हो। तो मैं सभी मित्रों हैं यह बात करना चाहनूँ कि अपू नंतिनू के लिबे आओ और अपन उत्तराखंड संस्कृति के बचाओ और उनके ये संस्कृति बारे में हर चीज़ बताओ, चाहे इति खान पान छू, चाहे पहनावा छू, चाहे बोली भाषा छू, चाहे इति गीत छे, संस्कृति छे, ढोल दमो छू, हर चीज़ के बारे में बच्चों को मतलब पता होना चाहिए। तो सभी आए, कल अंतिम दिन है तो मैं सभी से ये आग्रह करती हूँ कि कल सभी यहाँ पहुँचें भारी संख्या में और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का आनंद उठाएं और यहाँ के स्टॉल में आपको मडुए की जो मोमोज होते हैं वो मिलेंगे, चाउमीन मिलेगी, मडुए की चाय मिलेगी और यहाँ अनेकों प्रकार की दालें जो हमारे उत्तराखंड में किसान लोग जिसमें मेहनत करके पूरी साल भर मेहनत करके यहाँ लाते हैं और हम तक उन सब चीज़ों को पहुँचाते हैं और हमें वो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपने उत्तराखंड को बढ़ावा दें, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दें और अपने बच्चों से घर में, चाहे आप कहीं भी रहें, देश विदेश अपने प्रदेश में कहीं भी रहें, लेकिन अपनी बोली भाषा से दूर ना रहें, अपने बच्चों को उस बोली भाषा के बारे में बताएं और अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपनी बोली भाषा को अपने घर में अपने बच्चों से उसी उसमें बात करें। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को। और दो सौ बिस्टी कहेंगे हमारे बिस्टी बहुत वो है, एक्टिव है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेले में मिल जाते हैं मेरे को। ये नमस्कार के नाम से, उत्तराखंड के नाम से फेमस है, प्रिंस ब्रदर हैं और ये देखिए उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमेशा लगे हुए हैं, कई सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इनका भी जो है हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जो है उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये हमेशा तत्पर हैं और लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं। और जहाँ तक इस बसंत उत्सव के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये बसंत उत्सव जो है इंदिरापुरम में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इससे पूर्व में नोएडा में आयोजित किया गया था और ये पूरा बसंत उत्सव जो है महाकौथिक की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो टीम नोएडा में महाकौथिक करती है उसी टीम के द्वारा ये बसंत का उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य यही है कि भाई हमको उत्तराखंड संस्कृति को जो है यहाँ जो हम प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनके बीच में हमेशा जो है इसको उनके सम्मुख रखना है, उनको इस चीज़ से अवगत कराना है, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन यहाँ पैदा हो रही हैं उनको भी हमारे उत्तराखंड के बारे में, उत्तर वहाँ की संस्कृति, पहनावा, खान पान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय समय पर हम लोग यहाँ पे रविंद्र चौहान जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम को करते रहते हैं और इनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग जुड़िए इन मेलों कौथिकों से और इस तरह के उत्सवों से जुड़िए और अपनी उत्तराखंड संस्कृति को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सिंह गुसाई जी हमारे बीच में। ब्रदर्स के चैनल के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और सर्वप्रथम ट्विन ब्रदर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पिछले तीन दिनों से इस वसंत उत्सव को कवर कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि ये जो वसंत उत्सव यहाँ पर गाज़ियाबाद का जो हार्ट है इंदिरापुरम, और इंदिरापुरम का जो हार्ट माना जाता है पूरे गाज़ियाबाद में
स्वर्ण जयंती पर एक बहुत बड़े वेन्यू पर ये कार्यक्रम हो रहा है और हमें ये सब बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि आज हमारा जो कल्चर है वो पहले जैसा कल्चर नहीं रहा। अग्रणी क्षेत्रीय कल्चर में हमारे उत्तराखंड का कल्चर का नाम आने लगा है। हम पहले सुनते थे जहाँ तहाँ पंजाबी फोक म्यूजिक या गुजराती फोक म्यूजिक, किंतु आज हमारा उत्तराखंड का जो संगीत है वो अग्रणी संगीतों में बहुत ब्योर्स है। हमारे जो कलाकार हैं, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र के हों चाहे गढ़वाल क्षेत्र के हों, उन कलाकारों के लाखों व्यूअर्स हैं जो कि अन्य संस्कृतियों के अन्य गायकों के, चाहे भोजपुरी हो चाहे पंजाबी हो, उस तरह के जो गायक रहे हैं उनके व्यूअर्स इतने नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के हमारे जितने भाई बहन इसको सुन रहे हैं, युवा पीढ़ी जो सुन रही है, अपनी संस्कृति पर गर्व करिए, ये गर्व करने लायक है। और अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपने जो हमारे पहनावे हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। और कहा जाता है कि जिसकी संस्कृति जिंदा है वो समाज हमेशा आगे रहता है। तो इस इन इन उत्सव जैसे आयोजनों से संस्कृति का जो एक तरह से संदेश जाता है हमारे युवाओं के लिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ी, आप देख पा रहे होंगे कि आज यहाँ पर जितने भी दिनों से आप कवर कर रहे हैं, आदरणीय चौहान जी जो कि एक ध्वजा वाहक के रूप में उत्तराखंड संस्कृति को महाकौथी के माध्यम से और इस बसंत उत्सव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किस तरह से हमारी ये संस्कृति इसी तरह आगे लोगों के बीच बनी रहे, उसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। और वो तभी आ सकते हैं जब हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आर ट्विन ब्रदर्स को, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे के सफल आयोजनों के लिए और आगे आपके इस कैरियर को लेकर भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।